गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सब आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। तो देखिए, इस वीडियो में हम ट्रेडो फाइटा ही डिस्कस करेंगे। ट्रेडो फाइटा का जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम मैंने इस पर ए वीडियो है बना रखी है, जिसमें पार्ट्स फर्स्ट, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने साथ में डिस्कस किया था। अभी बहुत सारी रह गई थी, तो हम जो रह गया था वो डिस्कस करेंगे इस पर। तो देखिए, मैंने अगर बात करें ट्रेडो फाइटा को, तो मैंने वीडियो फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। मेगाफिलस लीफ दो तरह की होती है, मेगाफिलस होती है और माइक्रोफिलस। अगर हम बात करें मेगाफिलस की, तो देखिए मेगाफिलस उसको कहते हैं जिसमें लीफ क्या होती है, ये लीफ लार्ज होती हैं, ये कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। जो इसमें क्या है, वेनेशन है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है किसमें, मेगाफिलस में। वही अगर हम बात करें माइक्रोफिलस में, तो ये क्या होती है, ये स्मॉल लीव्स होती हैं, सेसाइल होती हैं। सेसाइल उनको बोलते हैं जिसमें पेटियोल नहीं होता, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं नॉन पेटियोलेटेड होती हैं। सिंगल मिडरिब होता है, सिंगल मिडरिब होता है, जैसे कि मान लिया कि ये है, हो गई, ये लीव हो गया हमारा, तो इसमें मिडरिब क्या होगी, सिंगल होगी, ओके। और ये पेट्यूल नहीं होता है। और सिंपल लीव्स होती हैं, सिंपल लीव उन्हें कहते हैं जिसमें लैमिना क्या होगी, लैमिना स्मूथ हो, स्मूथ हो, कहीं से भी कट्टा फिटा ना हो, ठीक। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप नहीं देखे तो आप ट्रेडोफाइटा जनरल करेक्टरिस्टिक पार्ट वन डालिएगा, आपको आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें स्पोर है, स्पोर दो टाइप के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें स्पोर दो टाइप के पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइट होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के स्पोर, ठीक है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होता है। और द स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन वर्टिकल सरफेस ऑफ लीफ। जो सी लीफ है उसके वर्टिकल सरफेस पे जो स्पोरेंजिया होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमो जो स्पोर सेम साइज के होंगे, जो साइज में सेम होंगे, उन्हें होमोस्पोरस कहेंगे, जिसका एग्जांपल हो गया लाइकोपोडियम। और हेट्रो अगर बात करें, तो हेट्रो मीन्स जिसके स्पोर डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसकी साइज डिफरेंट टाइप की होगी, वो क्या हो गया, वो हो गया हेट्रोस्पोर। ये भी दो तरह के होते, एक मेगा होता है और एक स्मॉलर होता है। तो मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर हैं, ये क्या क्या होंगे, ये मेगा मीन्स लार्ज, तो ये साइज़ में क्या होंगे, ये लार्ज होंगे। अगर ये साइज़ में लार्ज है, तो इनका नंबर क्या होगा, ये नंबर इनका लेस होगा। और स्मॉलर जो होंगे, स्मॉलर को बोलेंगे, स्मॉलर है उसको बोलेंगे माइक्रो, जो बड़ा था उसको मेगा और इसको माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर क्या होंगे, जिनको जो स्मॉलर है, तो इनका साइज़ क्या होगा, ये स्मॉल हो जाएंगे और नंबर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लार्ज हो जाएगा। आपको हेट्रो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सिलेजनेला है, मार्सीलिया है, इसमें एग्जांपल देखने को मिलेगा किसका, हेट्रो। और होमो किसमें मिलेगा, लाइकोपोडियम है। और टेरिस फिश का एग्जांपल है, होमो का एग्जांपल क्या है, टेरिस फिश का एग्जांपल है, जिसमें होमो स्पोर देखने को मिलेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल है किसका, लाइकोपोडियम का। लाइकोपोडियम जिसमें ये क्या है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या है, स्पोरोफिल के अंदर देखिए क्या है, स्पोरेंजियम लगे, क्या लगे हैं, स्पोरेंजियम लगे हैं। और स्पोरेंजियम ये देखिए, यहाँ पे ये स्पोरेंजिया लगे हैं, और स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल ये, हाँ इसमें देखिए देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया, ये लीफ स्पोरोफिल हो गई, ठीक है। इसमें इसमें क्या हो गया, स्पोर्स हो गए, और ये क्या हो गया, स्पोरेंजियम हो गया। तो ये स्पोर और ये स्पोर्स को कौन घेरे रहता है, कौन सराउंड रहता है, स्पोरेंजियम वॉल, ठीक है। और ये स्पोरोफिल से लगे किससे होते हैं, स्टॉक से लगे होते हैं, स्टॉक से लगे होते हैं।
अब अगर हम बात करें कि अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पोरिंजिया का अरेंजमेंट कैसे होता है, पहले तो देखिए स्पोरिंजिया क्या होता है, स्ट्रक्चर दैट बियर, वो स्ट्रक्चर जो बियर करता है, जो स्पोर्स को बियर करता है उसको स्पोरिंजिया बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्पोरिंजिया को का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखिए एक टर्म आपको दिमाग में रखना है कि स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस क्या होता है, देखिए ये है एग्जांपल स्ट्रोबिलस का। स्ट्रोबिलस में क्या होता है, स्पोरेंजिया अटैच टू स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल गेट ऑर्गेनाइज्ड टू स्ट्रोबिलस। इसमें होता क्या, जो स्पोरोफिल है ये स्पोरोफिल में क्या क्या अटैच होता है, स्पोरेंजिया अटैच होता है और इसी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया लाइकोपोडियम और सिलिजनेला। तो अगर ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अगर कोई पूछता है कि ये अपने माइंड में रखना है टेरिडोफाइट में स्ट्रोबिलस अरेंजमेंट किसमें होता है स्पोर का, तो एग्जांपल आपको कहना है कि लाइकोपोडियम और सिलिजनेला। बाकी जो स्पोरोकार्प है, स्पोरोकार्प किसमें पाए जाते, जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया एजोला हो गया, शाल्विनिया हो गया, इसमें कैसे होते हैं स्पोरोकार्प। तो दिमाग में रखना है कि स्पोरोकार्प का जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं उसमें क्या है, क्या पाया जाएगा, एजोला है इसका एग्जाम्पल और शाल्विनिया। देखिए जो टेरिडोफाइट है इसका जो सेक्स ऑर्गन है ये मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है मल्टी सेलुलर जैकेटेड है। और जो इसके रूट है, द रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें कैम्बियम जो है अब्सेंट होता है टेरिडोफाइट और डू नॉट सो सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें जाइलम फ्लोएम तो है क्योंकि टेरिडोफाइट क्या फर्स्ट है जिसमें एवेस्कुलर बंडल पाया जा रहा, लेकिन जाइलम फ्लोएम है बट इसमें क्या है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। अभी जो भी इसका जैसे भी इसका स्टीलर जैसे भी अरेंजमेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं कि स्टील, देखिए अपने दिमाग में एक चीज़ रखना कि स्टील क्या होता है। स्टील है जिसमें सेंट्रल में कैसे क्या अरेंज होता है, जाइलम और फ्लोएम और पेरिसाइकिल, ठीक है। तो जो इसमें जाइलम होता है, जो टेरिडोफाइट में जाइलम होता है इसमें सिर्फ ट्रेकीट्स प्रेजेंट होता है, सिर्फ ट्रेकीट्स होती है क्या, वेसल्स अब्सेंट होती हैं, ठीक है। वेसल्स कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो एक्सेप्शन में है, लेकिन जनरली देखा जाए मोस्टली क्या होता है, जो जाइलम है उसमें ट्रेकीट्स प्रेजेंट होता है, वेसल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जाइलम में क्या होते हैं, चार टाइप की सेल पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जैसे जो क्या होगी, जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रेकीट्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीट, जाइलम फाइबर क्या होंगी, वो तो डेड होंगे, पर जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग होगा। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सीव सेल प्रेजेंट होंगी, सीव ट्यूब इसमें नहीं होगी, सीव सेल होंगी बट सीव ट्यूब अब्सेंट होगी और कंपेनियन सेल भी इसमें अब्सेंट होगी, ठीक है। और कंपेनियन सेल क्या होगी, इसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत टाइप के जो स्टील होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, तो हम सारा एक एक डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रोटो स्टील, अगर हम बात करें प्रोटो स्टील, तो देखिए इसमें क्या होता है कि पित अब्सेंट होता है, प्रोटो स्टील में क्या होता है, पित नहीं होता, जाइलम प्रेजेंट होता है सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम, और क्या उसको सराउंड किया रहेगा, फ्लोएम उसको सराउंड किया रहेगा, ठीक। अभी हम इस सब की फोटोज़ हम डायग्राम देखेंगे, एक बार डिस्कस कर लें फिर हम सबका डायग्राम देखेंगे।
ये प्रोटो स्टील भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर बात करें तो हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील में क्या होता है, जाइलम राउंडेड होता है उसको कॉर्न, जैसे ये जाइलम हुआ राउंडेड, और इसको सराउंड कॉर्न किया जाएगा, इसको सराउंड किया जाएगा फ्लोएम। तो जाइलम राउंडेड होता है जब सेंटर में और फ्लोएम उसको सराउंड किया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हैप्लो स्टील बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया राइनिया, ठीक है, लाइगोडियम। अब अगर बात करें एक्टिनो स्टील की, अगर एक्टिनो स्टील की बात करें तो इसमें कैसा होगा, इसमें होगा जो जाइलम होगा वो सेंटर में तो होगा, लेकिन क्या होगा वो स्टार शेप होगा। जाइलम क्या होगा, स्टार शेप, मेरा स्टार देखिए कैसा बना है, स्टार शेप होगा, और ये फ्लोएम उसको सराउंड किया जाएगा, ये फ्लोएम होगा, स्टार शेप जाइलम। एक्टिनो मीन्स स्टार शेप, जाइलम एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम, जिसका एग्जांपल हुआ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अभी जो मैंने ऊपर इसमें एग्जांपल बनाया था हैप्लो में, हैप्लो में लाइगो क्या था, लाइगो, ठीक है, लाइगोडियम। लेकिन इसमें क्या बताया, एक्टिनो में मैंने क्या बताया, एक्टिनो बना लाइकोपोडियम, कंफ्यूज नहीं करना, लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम। और क्या हो गया, लाइकोपोडियम और सीरेटम, ये दो अलग अलग, ठीक है, अरे नहीं, लाइकोपोडियम सीरेटम एक ही है, ठीक है, एक स्पीसीज और जेनरा और स्पीसीज। अब प्लेक्टू, प्लेक्टू स्टील तो हमेशा याद रखना कि प्लेट लाइक स्टील, कैसे स्टील, प्लेट लाइक स्टील। जो जाइलम होगा उसमें क्या होगा कि प्लेट लाइक प्रेजेंट होगा, तो ये जाइलम होगा और प्लेट लाइक, और इसको सराउंड कौन किया, इसको सराउंड किया है फ्लोएम, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। स्टार शेप जाइलम किस में था, लाइकोपोडियम सीरेटम में, और प्लेट लाइक जाइलम किस में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। सिफेनो स्टील, अगर सिफेनो स्टील की बात करें, देखिए सिफेनो स्टील क्या होता है, सिफेनो स्टील में क्या होगा कि इसमें जो पित्त प्रेजेंट होगा, ठीक है, पित्त प्रेजेंट होगा, और देखिए ये दो टाइप के, अभी प्रोटो में क्या था, वो प्रिमिटिव था, उसमें पित्त नहीं प्रेजेंट था, ठीक है, तो और इसमें पित्त प्रेजेंट होगा, जैसे कि इक्टोफ्लोइक सिफेनस स्टील, इसमें क्या होगा, फ्लोएम जो होगा वो आउटसाइड होगा जाइलम के, और इसमें पित्त प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैं भी दिखा रही, ये पित्त हुआ और ये हो गया जाइलम, और उसके चारों तरफ क्या हो गया, उसके चारों तरफ हो गया फ्लोएम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पित्त और ये हो गया जाइलम, और ये क्या हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ठीक है। एम्फी में क्या होगा, एम्फी में ये होगा एम्फी फ्लोइक स्टिफनेस स्टील। एम्फी में मतलब दोनों तरफ बीच में क्या हो, देखिए ये पित हो गया बीच में, फिर इसको इसको सराउंड कौन रह करेगा, इनर, ये पित हो गया, इसको फिर ये इनर पेरिसाइकिल करेगा, इसको इनर पेरिसाइकिल, फिर इसमें क्या हो गया, इनर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा, फिर आउटर फ्लोएम होगा, मतलब जाइलम को फ्लोएम क्या करेगा, दोनों तरफ से सराउंड किया रहेगा, ठीक है, अंदर से भी, इनर से भी और बाहर से, जिसका एग्जांपल है मार्सीलिया और क्या, एडिंटम। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम मैंने किसका एग्जांपल बताया था, प्लेक्टू स्पील का, जिसमें क्या पाया जा रहा था, प्लेट लाइक जाइलम पाया जाता है। जाइलम इसमें क्या होगा, कैसा होगा, जाइलम इसमें होगा क्या नाम है, प्लेट लाइक, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका लाइकोपोडियम सीरेटम। तो लाइकोपोडियम सीरेटम का एग्जांपल क्या बता, एक्टिनो, जिसमें क्या होगा, स्टार शेप, जो जाइलम होगा ये क्या होगा, स्टार शेप पाया जाएगा, और बाहर से इसको कौन घेरे रहेगा, इसको फ्लोएम घेरे रहेगा, ठीक।
और ये किसका एग्जांपल, ये देखिए ये मिक्स्ड प्ले, ये किसका मिक्स्ड का, इसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टिल में होता क्या कि इसमें जो जाइलम होते पैच लाइक ऐसे प्रेजेंट रहता है और इसका इसको फ्लोएम फिर घेरा जा रहता है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सरनम, कंफ्यूज नहीं करना है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एग्जांपल था प्लेक्टोस्पिर जिसमें प्लेट लाइक जाइलम पाया जा रहा था, और क्या है कि लाइकोपोडियम सीरेटम में एक्टिनोस्टील मीन्स इसमें स्टार शेप, और लाइकोपोडियम सरनम जिसमें क्या था पैच लाइक। ठीक, तो आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा और अब कोई डाउट नहीं होगा। तो ये वीडियो हम इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और अब हम और ट्रेडोफाइटा में हम डिस्कस करेंगे, लाइकोपोडियम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लाइकोपोडियम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।